मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको प्रेरणा के रूप में एक ही बात कहना चाहूँगा। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो आसान जिंदगी मत मांगो, भगवान से ये मांगो कि मुश्किलों से हम कैसे लड़ पाए, मुश्किलों से लड़ने की शक्ति मांगो। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे साथियों। मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं और मैं डेली बनाता हूँ, सो आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट यहाँ से होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे पास कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, पर मेरा डेली रूटीन में ये रहता है, जो मैं नाइट में जो पूरी डायरी में लिख के आया कि मुझे आज क्या करना है ताकि मैं सिस्टमेटिकली कर पाऊँ, क्योंकि कभी मैं कुछ नहीं लिखता तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम एंगेज हो जाता है अननेसेसरी और मैं अच्छा व्लॉग बना नहीं पाता। सो मैं आज क्या मेरा पूरा शेड्यूल मैं पूरा अच्छे से सेटअप करके आया हूँ। सो आज गार्डन में एक अंकल से मिलने आया था पर अभी नहीं है, सो मुझे अभी जाना पड़ेगा, तो अभी मिलते हैं घर पे खाना बनाने के लिए। ओ गाइस, वापस मैं अभी गार्डन में ही मन हुआ तो रुक गया, मैंने सोचा थोड़ी बात कर लेता हूँ, मैं कितना अभी आजकल कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, सो आप लोगों से वो बात शेयर कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी मैं जा रहा था खाना बनाने के लिए घर पे, बट सोचा कि थोड़ी बात कर लूँ, और क्योंकि वैसे भी आधा घंटा लेट हो गया हूँ एज़ पर शेड्यूल, सो और कुछ बात कर लेता हूँ। दोस्तों, अभी मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं फाइनेंशियली फिट तो नहीं हूँ, फाइनेंशियली फिट एक 12 आवर की ड्यूटी करता हूँ फिर भी मैं फाइनेंशियली फिट नहीं रहता हूँ, और मेरे पर मुझे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बड़ा करना है, मेरी फैमिली को सेटिस्फाई रखना है, मेरे ड्रीम्स भी बहुत बड़े, मेरा खुद का वडोदरा में बहुत बड़ा घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए, मेरी शादी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, मेरा हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर होना चाहिए, मीन्स हम भी हर जगह पर फेमस, मेरी वॉइस बिकनी चाहिए, मेरी ये बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, मैं अच्छे डांस कर पाऊँ, ये सब अच्छे अच्छे ड्रीम्स है। बट गाइज, मैं इतना फंसा हूँ अभी, मीन्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ, और अभी तो अच्छे पैसे का कमाने के चक्कर में मैंने पढ़ाई भी बहुत कम करता हूँ और दो बिजनेस स्टार्ट किए, जो यस मैं सक्सेसफुल होऊंगा बट उसमें मुझे मेहनत करनी है। गाइज, आई बिलीव कि मैं उसमें 100% सक्सेस हो जाऊँगा, पर एक हमेशा एक चीज़ हम सभी को याद रखनी चाहिए, वी कहीं भी हम घुसते हैं तो हमें खुद में सेल्फ बिलीफ होना ही चाहिए, बहुत बड़ी ताकत होती है सेल्फ बिलीफ, तब जाके हम लाइफ में कुछ भी कर पाते। अगर सेल्फ बिलीफ होती है हमारे पास वो पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सो मैं वही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्शंस के साथ आइडियाज़ क्रिएट करता है वो लाइफ में कभी नहीं झुकता। तो बस मेरा ये मोटिव है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ना है गाइज। ओके, चलो गाइज, अभी मिलते, और आजकल मैं आपके अमेजिंग व्लॉग नहीं बना पा रहा, पर यस आशा करूँगा कि धीरे धीरे मेरे व्लॉग्स इम्प्रूव होंगे, अच्छी बोलने की टेक्निक बढ़ेगी और मैं ग्रो करूँगा, और आप सभी का सपोर्ट हमेशा हमेशा बने रहेगा। सो गाइज, अभी मुझे खाना बनाना है, मिलते। ओके, चलो। खाना बन गया है, खाना खा के अच्छा टेस्टी खाना बनाया, खाना खा के फिर मुझे जाना है क्लास। फाइनली मैं आ गया हूँ आरती क्लासेस फॉर माय डांस एंड ओके, आज पैर दुख रहे मुझे, खाना खा के आया हूँ, वैसे देखता हूँ क्या चार जल्दी मिलते हैं। फाइनली आ गया क्लास में, खाना खा के आया हूँ, पता नहीं आज कितना अमेजिंग परफॉर्मेंस करता हूँ, देखना है। एक्चुअली गाइज, मैंने डांस क्लास इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वैसे घर पे अकेला रहता हूँ, टाइमिंग बहुत हुआ कर, मैं गार्डन में आधा टाइम वहाँ पे स्पेंड करता था। ऑलराइट, तो
एक्सरसाइज वक्सरसाइज हो जाएगी। और डांस का मुझे पहले से पैशन था, आता नहीं है, सीखना भी था, पैशन था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। पर अभी तक कंटिन्यू करके रखा है मैंने। बहुत सारे अच्छे अच्छे डांस भी किए पर उसको अपलोड करना भी रह गया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। अभी बहुत बिजी हो गया हूँ यार। सोच रहा हूँ अगले मंथ से मुझे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मीन्स एक दो मंथ के लिए जब सेटल नहीं होता, क्योंकि दो दो तीन दिन बिजनेस कर रहा हूँ, पढ़ाई करनी है, जॉब करता हूँ, हेल्थ पर प्रायोरिटी है, सोना बोना है, आराम करना है, तो कितना करूँगा यार। सो आई हैव टू लीव दिट। ओके चलो अभी डांस दिखाएंगे सर। Oh my god. Hey.